हम सभी की लाइफ ना बहुत बिजी हो गई है, बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है, तो पूरा वीक कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर आता है संडे, तो मैं संडेज़ को एंजॉय करना नहीं भूलती हूँ। मुझे अपने ब्रेन को रिचार्ज करना होता है, नेगेटिविटी को एकदम फ्लस आउट कर देना होता है। इसके लिए मैं बहुत सारा एंजॉय करना चाहती हूँ और पूरे दिन फ्री रहना चाहती हूँ। तो हर संडेज़ की तरह इस संडे भी मुझे कहीं बाहर जाना था। मैंने कार्तिकेय मूवी में देखने गई, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि दसम फॉल चलते हैं। दसम फॉल रांची के थोड़ा सा पहले ही है, लगभग 40 किलोमीटर पहले पड़ जाता है हमारे घर से। और ये मैं पहली बार जा रही थी और रास्ते तो अमेजिंग होते ही हैं, और अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और रैंडम क्लिक्स में भी मैं अच्छी दिखने लगी हूँ अभी, क्योंकि मैं फ़िट हो रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। फिजिकली मेंटली बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे में। मैं आपको बताऊं, हम सभी की लाइफ में ना पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन आप अगर सेल्फ़ केयर को प्रेफरेंस देते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपने बारे में सोचते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप में ना हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी आ जाती है। तो वो चीज़ मेरे में आ गई है। कोई भी सिचुएशन होती हुई है मैं बहुत जल्दी से उसमें से उभर जाती हूँ। तो लीजिए, हम लोग पहुँच गए दसम फॉल के पास में, और पार्किंग चार्ज दे के गाड़ी को पार्क करना है। और यहीं से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है पानी की, और बहुत अच्छा सा फील होता है जब आप कहीं वाटर बॉडी के आसपास में जाते हो। वो जो आवाज़ होती है ना, एकदम दिल को छू जाती है। और ये झारखंड में और भी बहुत सारे फॉल्स हैं, लेक हैं, रिजर्वायर हैं, तो उसकी लिस्ट पूरी थी जो मैंने क्लिक कर ली उसकी फ़ोटो, और वन बाय वन मैं जाऊँगी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट कर दिया है इन लोगों ने, स्टेयर्स बना दी हैं, और कुछ कुछ स्टॉपेज पे एक टेरेस टाइप का डिज़ाइन कर दिया है, जहाँ पे खड़े होके हम लोग दसम फॉल के पूरे व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और फॉल तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, आप खुद ही देख लीजिए। मैं सोचती थी कि शायद छोटा सा कोई फॉल होगा, मैंने कहीं सुना था, बट इसमें जो इसका जो स्पीड है ना, इसका जो एरिया है, सब बहुत लाजवाब है। और यहाँ पे जो पानी की आवाज़ थी बहुत अमेजिंग थी। ये जो गिरता हुआ पानी होता है उससे निकलती हुई आवाज़, मैं तो एकदम, मैं सच बताऊँ तो मुझे तो लगता है कि मैं कहीं नेचर के करीब जाके बस जाऊँ। मेरा इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, रहना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत भाग जाती हूँ नेचर की तरफ। तो बहुत अच्छा रहा, आप भी एंजॉय करिए मेरे साथ में। हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे बैठे रहे, और अगर आप यहाँ पे कोई पार्टी करना चाहते हैं या पिकनिक मनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बुकिंग भी होती है, और कुछ कुछ दुकानें वगैरह भी हैं। एक पार्क है छोटा सा, मेरे बच्चे को तो पार्क ही चाहिए था, उसको कोई फॉल कोई नेचर किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उसको झूला चाहिए था। तो बहुत ज़िद्दी किया, तो मेरा तो ज़्यादातर टाइम इन्हीं लोग के पीछे बीत गया। और बारिश भी हो रखी थी उस दिन, तो स्लाइड भीग गया था, और बच्चा बेचारा कंफ्यूज है क्या करें क्या करें। और फाइनली वो वापस ही आ गया, नहीं कर पाया क्योंकि बहुत मॉइस्चर था और पूरी तरीके से भीग गया था ज़मीन भी स्लाइड भी। और यहाँ पे कुछ कुछ दुकानें हैं, पार्किंग है, और यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का लेके आइए, पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे कर लीजिए, पिकनिक मनाइए। बहुत ही अच्छा दृश्य है, मतलब बड़े बड़े पेड़ और पहाड़, और पहाड़ के बीच में बहता हुआ बहुत ही खूबसूरत सा झरना, और बहुत अच्छे से पिकनिक स्पॉट यहाँ को बनाया भी गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम लोग के आते आते बिल्कुल शाम हो गई थी, और वेदर बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि जन्माष्टमी थी, और बिल्कुल जैसा लग रहा था कि कृष्ण भगवान पधारे हों, जन्म ले रहे हों, वही पूरा एनवायरनमेंट बन गया था।
तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तो बहुत सारी मस्ती की दिन भर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा।